और क्या गारंटी है कि कांग्रेस इन दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ती है और मोदी 20 सांसद से कम पड़ते हैं सरकार बनाने में और नीतीश 20 सांसद लेकर भाग जाए, ममता बनर्जी 20 सांसद लेकर भाग जाए, या केजरीवाल या अन्य लोग भाग जाए, ये गारंटी कौन लेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस ही ये गारंटी भी लेगी, कांग्रेस ही ये प्रभाव बनाएगी, कांग्रेस ही ये कुर्बानियां देगी और कांग्रेस ही यह घोषित संविधान बनाएगी इस नए गठबंधन का जिसका नाम है इंडिया। लंगड़ा को बैसाखी चाहिए चलने के लिए ना जी, बैसाखी के अलावा भी तो रास्ते उसके पास चलने के, बैसाखी और किस काम आता है? बैसाखी जो चलने के लिए, बैसाखी और किस काम आता है? एक लंगड़े के काम आने के अलावा बैसाखी किस काम का है? एक ऐसा पेड़ जो चारों से समृद्ध लगता है लेकिन गमले में खिलेगा, गमले से बाहर आने की अनुमति नहीं है। और आज भी यही मजबूरी है कि कांग्रेस बिहार में बढ़ती है 27 विधायक तक, घट के फिर 19 पे चले आती है, बढ़ती है बिहार में अपना प्रभाव बनाती है, संगठन बड़ा करती है और फिर राजद के अंदर आ जाती है। ये नीति है, रणनीति है। और ये छोटे दल कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो गए, अरे आपने कांग्रेस को कमजोर किया, आपने मौका परस्ती दिखाकर कांग्रेस कमजोर किया। आप नीतीश कुमार की बात देखिए, छोड़िए बाकी लोगों को, नीतीश कुमार ने कांग्रेस को कितना कमजोर किया। 2015 में कांग्रेस 27 विधायक जीत कराई थी, नीतीश कुमार ने 18 में सरकार तो 17 में सरकार तोड़ दी और भाजपा के साथ चले गए। जो व्यक्ति बार बार भाजपा के साथ चला जाता है वो कांग्रेस को नसीहत देगा चलने दूसरे सूप के? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, उसमें कोई निर्णय सामने नहीं आया था। उसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इशारों में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप शादी कीजिए, हम लोग बराती बन करके जो है कि चलेंगे। लेकिन आज बेंगलुरु में जो है बैठक हो रही है, बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को पीएम बनने की कोई ललक नहीं है। खैर, इसके पीछे की राजनीति क्या है, तमाम जानकारियों के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नवन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है जो यह स्टेटमेंट आया है कांग्रेस का अध्यक्ष का, इसके पीछे की राजनीति क्या है, कौन पीएम फेस होगा? देखिए, ये तो तय था कि ये जो बैठक है ये कांग्रेस के नेतृत्व में ही होगी। कांग्रेस दरअसल बाकी सभी दलों को विपक्षी एकजुटता के लिए जो तैयारी करके आए हैं उनको एक मंच पर देखना चाहती थी। वो ये देखना चाहती थी कि कौन कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानी तो कांग्रेस से मांगी जा रही है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो देश को सबसे ज़्यादा दिनों तक चला चुकी है, वो जब जब सत्ता से बाहर हुई है तब तब देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है घोषित, ये लगभग तय है। कांग्रेस ने अगर घोषित आपातकाल लाया है तो जब जब कांग्रेस सत्ता से हटी है तब तब अघोषित आपातकाल आता है। कोई भी सरकार नरेंद्र मोदी के अलावा अब तक इतनी स्टेबल तरीके से चल नहीं पाई है कांग्रेस के बिना, और अगर नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से कोई हटाएगा तो वो कांग्रेस ही होगी। बिल्कुल, विपक्ष के इन दलों से कुछ नहीं होने वाला है। आप राज्यों में राज्य की समीकरणों को जातीय आधार पर, जातीय उन्माद फैलाकर, जातीय तरीके से लड़कर उस हिंदुत्व के पोलराइजेशन को तोड़ सकते हैं। राज्यों में हमने देखा है ना, कई राज्यों में भाजपा कमजोर है, कई मेट्रोस में भाजपा दूर दूर तक नहीं है, घुसती भी है तो पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या कर घुसती है, आपने देखा महाराष्ट्र का एग्जाम्पल। लेकिन बंगाल में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, बिहार में क्या होता है भाजपा के साथ, इन राज्यों में भाजपा अपना मंसूबा पूरा नहीं कर पाती है। कारण वही है, क्षेत्रीय दल बहुत हावी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इन क्षेत्रीय दलों का उद्गम या प्राइमरी टारगेट भाजपा नहीं थी। आज देश में जितने भी छत्रप हैं वो कांग्रेस के खिलाफ उत्पन्न हुए हैं, कांग्रेस से टूट के उत्पन्न हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने बनाया है। लालू यादव की राजद हो, ममता बनर्जी हो, या फिर कोई नेता हो, एक प्रशांत किशोर कह सकते हैं कि हमने अलग से बनाया, एक केजरीवाल कह सकते हैं हमने अलग से बनाया, और जो 2018-19 के बाद नरेंद्र मोदी के बाद जो लोगों ने बनाया कुछ दल वो कह सकते हैं, जैसे कि मुकेश सहनी है वो कह सकते हैं, लेकिन माझी भी कांग्रेस से आए हैं। तो आप समझ लीजिए, कांग्रेस के दलों से टूटकर
कांग्रेस से टूटकर लोग अपना दल बनाते हैं, कांग्रेस को तोड़कर अपने आप को सत्ता में लाते हैं। बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस को हमेशा साथ रखा, कुछ इक्का दुक्का छिटकट समय को छोड़ दिया है तो, लेकिन हमेशा बोंजा ही बनाकर रखा। एक ऐसा पेड़ जो चारों से समृद्ध लगता है लेकिन गमले में खिलेगा, गमले से बाहर आने की अनुमति नहीं है। और आज भी यही मजबूरी है कि कांग्रेस बिहार में बढ़ती है 27 विधायक तक, घट के फिर 19 पे चले आती है, बढ़ती है बिहार में अपना प्रभाव बनाती है, संगठन बड़ा करती है और फिर राजद के अंदर आ जाती है। ये नीति है, रणनीति है। आप बंगाल के चुनाव को याद कीजिए, बंगाल में क्या भाजपा से लड़ रही थी ममता बनर्जी, कांग्रेस से भी लड़ रही थी। कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ कौन कौन से दल थे बताइए मुझे, भाजपा थी केवल नहीं। तो सारे दल कांग्रेस से ही लड़े हैं और कांग्रेस से ही कुर्बानी देने के लिए कहें कि मोदी को रोकना है ना कांग्रेस, तो आप कुर्बानी दे दीजिए और आप लोग कुछ मत कीजिए। आप लोग कांग्रेस को कमजोर करते रहिए, पूरे देश में कांग्रेस को कमजोर करके फिर कहिए कांग्रेस तो कमजोर है ना, तो कांग्रेस को हमारी आवश्यकता है। ठीक है, एक कहावत कहा था कि लंगड़ा को बैसाखी चाहिए, अब बिना लंगड़ा के बैसाखी किस काम का, ये तो कभी सोचा नहीं था आपने, ये तो मैंने ही पूछा ना। लंगड़ा को बैसाखी चाहिए चलने के लिए ना जी, बैसाखी के अलावा भी तो रास्ते उसके पास चलने के, बैसाखी और किस काम आता है, बैसाखी जो चलने के लिए, बैसाखी और किस काम आता है, एक लंगड़े के काम आने के अलावा बैसाखी किस काम का है, किसी काम का नहीं है जी। ईंधन का काम करेगा, चूल्हा में फूका जाएगा, यही ना होगा जी। तो बैसाखियों को भी समझना होगा कि वो जिस ध्येय से यहां जुटे हैं वो ध्येय क्या है, कांग्रेस को मजबूत बनाना, कांग्रेस के आसपास इतना बड़ा एक राजनीतिक सोलर सिस्टम तैयार करना कि उस सूरज की तपिश कांग्रेस की जो कम हो गई है वो बढ़ जाए और प्रभाव क्षेत्र बढ़े, राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण बढ़े। ये तब बढ़ेगा ना जब ये छोटे दल अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा थोड़ा कम करके आएंगे। लेकिन सर कांग्रेस से जानते हुए कि सभी जो है कि कहीं ना कहीं हमको डिमोरलाइज करने के थे, फिर भी वो जो है कि क्यों गठबंधन करना चाहेगी, क्यों जो है कि साथ में लाना चाहेगी। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। अगर जंगल के छोटे छोटे जानवर खरगोश हिरन मिल के शेर का शिकार करने के लिए एकजुट हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा शेर को क्या, शेर लंगड़ा भी होगा तो उसको कोई फर्क पड़ता है, फर्क नहीं। कांग्रेस इस प्रदेश में, इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी राजनीतिक विरासत इतनी लंबी है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी दूर दूर तक उसके सामने टिकते नहीं है। कांग्रेस को धोखे से हराया गया 2014 में, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के समय का याद कीजिए, कांग्रेस के काल में जब भी भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारी जेल गया है जी, आज भ्रष्टाचारी संसद जाता है। और ये छोटे दल कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो गया, अरे आपने कांग्रेस को कमजोर किया, आपने मौका परस्ती दिखाकर कांग्रेस कमजोर किया। आप नीतीश कुमार की बात देखिए, छोड़िए बाकी लोगों को, नीतीश कुमार ने कांग्रेस को कितना कमजोर किया। 2015 में कांग्रेस 27 विधायक जीत कराई थी, नीतीश कुमार ने 18 में सरकार तो 17 में सरकार तोड़ दी और भाजपा के साथ चले गए जी। जो व्यक्ति बार बार भाजपा के साथ चला जाता है वो कांग्रेस को नसीहत देगा चलने दूसरे सूप के। तो आप महत्वाकांक्षाएं छोड़कर जाइए, निश्चित तौर पर आपकी वेदाक छवि, निश्चित तौर पर आप बिहारी हैं, हर बिहारी चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री बिहारी बन जाता, लेकिन बिहार जिस तरीके से आप चला रहे थे हाल के दिनों में आप क्वालिफाइड इनफ नहीं है उस कुर्सी के लिए, फिर भी हर बिहारी चाहता है कि आपको लेकर पहुंचाए वहां। और जब ये तैयारियां शुरू कर दी गई तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि आखिर क्या लेकर आए हो और क्या छोड़कर आए हो। इस बार की बैठक में खास ये हुआ कि कांग्रेस ने इसे पूरी तरीके से अपने हिसाब से आयोजित किया। बिहार वाले में तो आपों की स्थिति हो गई थी, जो होस्ट थे नीतीश कुमार वही लगता कि गड़बड़ा गए थे, लालू नहीं होते तो पता नहीं क्या होता यहाँ। लेकिन एक बड़ी बात यह हो गई कि कांग्रेस ने जब सभी को बुलाया तो कांग्रेस ने एक अच्छे होस्ट की तरह एक बात पहले ही कह दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि हमको प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं है, कांग्रेस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देने के लिए ललायत नहीं है, चलिए आप एकजुट होइए, आपको एक लफड़े से दूर कर देते हैं कि कांग्रेस अपना सीएम या पीएम का कैंडिडेट देगी। अब ये कितना आसान हो जाता है, अब नीतीश कुमार काफ़ी सहज हो जाएंगे, ममता बनर्जी को भी सहज हो जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति है कि जो जितना बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा वो दावेदारी कर सकता है इसको, इस पीएम की कुर्सी पर। एक तय किया जा सकता है चुनाव के बाद की परिस्थिति, चुनाव दम भर से लड़ा जाए
और चुनाव के बाद की परिस्थितियों में तय कर लिया जाएगा कौन पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी अगर हार जाते हैं तो। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी को रोकना हराना बड़ी चुनौती है ना जी। और क्या गारंटी है कि कांग्रेस इन दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ती है? अब मोदी 20 सांसद से कम पड़ते हैं सरकार बनाने में और नीतीश 20 सांसद लेकर भाग जाए, ममता बनर्जी 20 सांसद लेकर भाग जाए, या केजरीवाल या अन्य लोग भाग जाए, ये गारंटी कौन लेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस ही ये गारंटी भी लेगी, कांग्रेस ही ये प्रभाव बनाएगी, कांग्रेस ही ये कुर्बानियां देगी और कांग्रेस ही यह घोषित संविधान बनाएगी इस नए गठबंधन का जिसका नाम है इंडिया। आपने अखंड भारत के सामने इंडिया परोसा है जी। इंडिया वो जो प्रोग्रेसिव है, इंडिया वो जो अंग्रेज नाम है, इंडिया वो जो सारे विपक्षियों का एक गठबंधन है, और एनडीए वहां जो अखंड भारत की बात करने लगे हैं, उनको केवल भारत नहीं चाहिए, भारतवर्ष चाहिए संपूर्ण। उन्होंने मैंने मिस्र में मेसोपोटामिया तक की बात कर दी, उन्होंने बंगाल से लेकर उधर पूरे जो साइड है क्या नाम उसका, भूटान उटान सब की बात वो कर रहे हैं, अफगानिस्तान तक वो बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर तक की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि उसके समानांतर में आप कहाँ टिकते हैं। आपने इतनी बैठकें की, आज आपकी संख्या कितनी हुई? 25 एनडीए की पहली बैठक में कितने दल जुड़े? 38 38 दल। मुकेश सहनी और पृथ्वी माली जैसे दलों को भी अगले बार बिठाया जाएगा तो 40 प्लस तो यह साफ दिख रहा है जी। तो आपको समझना होगा कि आप बहुत पीछे हैं इस रेस में। उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, उनके पास सिस्टम है, वो ईडी सीबीआई भी अपने साथ उपयोग दुरुपयोग करते हैं और आपके उनके सामने कुछ नहीं है। तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो आपको अपनी महत्वाकांक्षा को साइड करके चलना होगा। कांग्रेस ने बहुत अच्छी पहल कर दी है, मैं उस पहल से बहुत खुश हूँ। कांग्रेस ने अगर सामने से कह दिया कि मुझे बेचैनी नहीं है, मैं नहीं पीएम का दावा दे रहा हूँ, आप लोग तय कर लीजिए, तो ये रास्ते खोल देता है बाकी सभी दलों की महत्वाकांक्षाओं के पूरे होने का। और ये परिपाटी भी रखता है समानांतर में कि भाई जब कांग्रेस इतनी बड़ी दल है और वो दबाव नहीं डाल रही तो हम कहे दबाव डालें, चलो हम सभी कुर्बान देते हैं और नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करते हैं। इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का जो गला घोटने का कोशिश हो रहा है, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, वैमनस्यता को फैलाने की लगातार कवायद की जाती है, लोकतंत्र के वो बैकडोर से एंट्री कराने की कोशिश की रही भाजपा, उसको एक मुश्त सबक देते हैं। तो इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी दे दी है। निश्चित तौर पर आज ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए जो इंडिया है उसके कन्वेनर बन गए हैं। नीतीश कुमार के आसपास उनकी छवि ऐसी है कि उनके आसपास इस इंडिया को बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लेकिन अंततः सवाल ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर कन्वेनर नीतीश रहेंगे तो पीएम भी तो नीतीश से ना बनेंगे। अगर विपक्ष का ये कुनबा अच्छा प्रदर्शन करता है, जीत कराता है, तो कांग्रेस के इस बयान की वजह से नीतीश कुमार के लिए अब पीएम बनने की संभावना उन परिस्थितियों में बढ़ जाती है। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह पीएम फेस की जो है कि नज़र में नहीं है, किस प्रकार से जो है कि जो अधिक से अधिक सीट जीत करके आएंगे, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वह पीएम का फेस होगा। तो इस प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।